हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए डिटरमिनेंट हम लोगों ने देखा था कि हम रो को कॉलम बना देते थे, कॉलम को रो बना देते थे। बिल्कुल सेम चीज यहां पर भी करनी है। मैट्रिक्स का नाम दे दिया है तो बस मैट्रिक्स में काम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि एक मैट्रिक्स की जो रो है उनको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उनको रो बना दो। बोला गया द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास ए है और उसमें आप ट्रांसपोज बनाना चाह रहे हैं तो उसको हम पहले तो डिनोट करेंगे ए ट्रांसपोज से, ए सुपरस्क्रिप्ट टी से हम उसको डिनोट करते हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से ए आई जे, जहाँ पर एम उसके नंबर ऑफ रोज हैं और एन उसके कॉलम्स हैं। सिमिलरली जो ए ट्रांसपोज होगा, देखिए जब आप रोज को कॉलम्स बना दे रहे हो तो अगर एम रो हैं, जब ट्रांसपोज ले लोगे तो एम क्या हो जाएगा, कॉलम्स, और अगर n कॉलम्स थे तो n क्या बन जाएंगे, रोज। तो इसका मतलब m बाय n से क्या बन जाएगा ट्रांसपोज लेने पर, m n बाय m। तो जो ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m होगा, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो रिवर्स हो जाएगा। फिर क्या होने वाला है, और देन b i j जो होगा वो a j i के इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स ये है हमारी 1 2 4 5 7 8, हमें पता है कि इसका ऑर्डर कितना है यहां पर 3 by 2, क्योंकि 3 इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, 2 इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर मुझे इसका ए ट्रांसपोज लिखना है तो देखिए ए ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो रोज है वो क्या है 147, उसको हम बना देंगे कॉलम और फिर 258 को इस तरह से लिख देंगे। तो आप देख सकते हो 1 2 4 5 7 8 कॉलम्स थे, मतलब ये रोज थी और हमने इनको कॉलम बना दिया, और रो क्या कॉलम क्या थी हमारी 147 258, तो 147 258 को हमने रो बना दिया। देख पा रहे हो इसका ऑर्डर कितना है 2 by 3, यहाँ ऑर्डर कितना था 3 by 2, यहाँ कितना बन गया 2 by 3। तो बेसिकली यही है हमारा बस ट्रांसपोज, इसमें और कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने लेट से ट्रांसपोज लिया, सपोज आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, आपने वापस से उसका ट्रांसपोज ले लिया तो आपको बैक वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो इससे बेटर है कि आप ए का ट्रांसपोज लो और उसमें बी का ट्रांसपोज ऐड कर दो। तो ये भी यहाँ पर सेम ही चीज़ मिलने वाली है। यहाँ पर ए और बी क्या है, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स, मतलब ए और बी यहाँ पर ये होना चाहिए कि ए और बी को आप ऐड कर सको। ऐड करने के लिए क्या कंडीशन थी, कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो आप ऐड कहाँ से करोगे, और ऐड ही नहीं करोगे तो फिर ये कहाँ से लेके आओगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ए और बी जो है वो कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है, मतलब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तभी आप इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे। थर्ड बोल रहे हैं कि अगर अल्फा इंटू ए का अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो सिंपली अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज कर लीजिए, अल्फा को बाहर निकाल लो, सिंपल अल्फा को ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या बोला गया है कि अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज आपको लेना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे। जब भी मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे यहाँ पर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और जिनको लगता है कि ये चीज़ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होगी तो मैं बोल दूँ कि वो नहीं होगी, इन जनरल जनरली नहीं होती है, हो सकता है किसी किसी केस में स्पेशली हो जाए, लेकिन जनरली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर यही होता है बस कि ए बी होल ट्रांसपोज जो होगा वो कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ इसको हम बोलते हैं, ए एंड बी बीइंग कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कन्फर्मेबल होना चाहिए, कि मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो बी का ऑर्डर एन क्रॉस पी, ये होना चाहिए कि मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप ए इंटू बी को डिफाइन कर पाओगे, अदरवाइज आप ए इंटू बी को डिफाइन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन बोला गया है कि अगर ए मैट्रिक्स, दिस इज ए, ए इक्वल्स टू ये है, बी इक्वल्स टू ये है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए। तो ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आपको बताना है, तो ए बी को क्या लिखेंगे, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स। यहां से सिंपली आप लिख सकते हो 1 into 2 plus 2 into -2 into 4 is -8 plus 3 into 2 is 6, ये हो गया। फिर यहां से 1 into 3 -2 into 5 is -10, 3 into 1 is +3, ये बन गया यहाँ से। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, -4 into 2 is -8, 2 into 4 is +8, 5 into 2 is +10, ये बन गया। नेक्स्ट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, -4 into 3 is -12, 2 into 5 is +10, 5 into 1 is +5,
इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 6 + 2 = 8, 8 - 8 = 0, तो ये 0 बन जाएगा। 3 + 3 = 6, 6 - 4 = 10 - -4, -8 + 8 कैंसिल, 10 will be 10, एंड दिस इज 15 - 12 = 3, तो 0 - 4 = 10, 3 यहाँ पर ए भी आ जाएगा। अब हमें निकालना है बी इंटू ए, तो बी इंटू ए देख लेते हैं, बी इंटू ए कैसे होगा। B क्या है हमारे पास, 2, 4, 2, 3, 5, 1। अच्छा, ऑर्डर अगर कंफर्म करना हो तो इसका ऑर्डर कितना है हमारा, 3, 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें क्या है 3 रो हैं 2 कॉलम है, मतलब 3 क्रॉस 2, ये हट जाना चाहिए, बचना कितना चाहिए 2 क्रॉस 2, तो 2 by 2 का ऑर्डर आ रहा है बिल्कुल, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन सही किया गया है। B इंटू ए निकालना है, B इंटू ए के लिए क्या करेंगे, 2, 4, 2, 3, 5, 1, ये हो गई B मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 - 2 - 3 और - 2, 4, 2, 5, ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2 × 1 = 2 + 3 × -4 = -12, ये बन गया। फिर 2 × -2 = -4, 3 × 2 = 6, ये बन गया यहाँ से। फिर उसके बाद 2 × -3 = -6, और क्या है 3 × 5 = +15, ये बन गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 × 1 = 4 + 5 × -4 = -20, तो -20 बन जाएगा। फिर यहाँ से 4 × -2 = -8, 5 × 2 = 10, फिर उसके बाद 4 × -3 = -12, फिर उसके बाद 5 × 5 = 25 + 25, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 × 1 = 2 - 1 × -4 = -4, तो +-4 बन जाएगा, 2 × -2 = -4, फिर यहाँ से 1 × 2 = +2, ये बन गया। फिर 2 × -3 = -6 और 1 × 5 = +5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो 2 - 12 = -10, -4 + 6 = 2, 15 - 6 कितना बन जाएगा यहाँ से 9, 4 - 20 = -16, 10 - 8 = 2, 25 - 12 = 13, 2 - 4 = -2, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -1, तो -10 - 16 - 2, -10 - 16 - 2, 2 - 2 - 2, 2 - 2 - 2, इधर बन जाएगा ओके। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, 6 + 15 आ रहा है, तो अगर इसको हम देखें तो दिस इज इट 3 और -3, नहीं ये गड़बड़, ये गलत यहाँ पर लिखा है, दिस इज -3, तो ये वाली जो कॉलम है ये गलत आ रही है, ये वाली जो कॉलम है ये गलत आ रही है, यहाँ पर जितना भी है ये सब माइनस माइनस के साथ आएगा, -6 - 12 - 6, इस तरह से बनेगा। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला, ये रिजल्ट फाइनल यहाँ से बन के आ जाएगा ओके। तो बेसिकली इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ट्रांसपोज को भी समझ सकते हैं ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर, सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।